कलेक्टर द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों का परिचय प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिले में उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, आज आपने अस्पताल में जो निरीक्षण किया उसमें डायलिसिस, कार्डियक मशीन और ये सब चीजें धूल खा रही हैं, आपने इसके बारे में क्या अभी प्रारंभिक दृष्टि से सामने आई वो ये है कि डॉक्टर्स और नर्सेस क्योंकि अभी उतना मजबूती से दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए मैंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया। कमी है एच आर की कमी, लेकिन कौन से जिले में नहीं है, हिंद में भी एच आर की कमी थी और जो खंडवा है उस जिले में भी हिम्मत की कमी है, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि 100% पद भरे हुए। और दूसरी बात ये कि पद भरे हुए है या नहीं है वो एक जरूरी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसके बावजूद जितने पद है उसके हिसाब से तो हम कंपनियों को उसी उसे स्तर का कार्य कर सकते हैं, वो हो सकते हैं। पर जितना मरीज का रेशियो हो जाता है जितने उसके लिए पैरामेडिक का स्टाफ एंड डॉक्टर स्पेशलिस्ट अलग अलग है नहीं, अब आप एक डॉक्टर को आखिर हुआ भी कितने 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर पाएगा, तो ये सब चीजें जब तक आप बीमार थे स्टाफ को नहीं ऊपर थे तो बड़ी एक दिक्कत।